डाउट नॉट। अगर दोस्तों आप किसी भी सवाल में अटक गए हो और आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, उसे क्रॉप करना है और आपको वीडियो के माध्यम से 5 सेकंड के अंदर उस सवाल का आंसर मिल जाएगा। और तो और दोस्तों, चाहे आपका क्वेश्चन हो होमवर्क CBSE UP बिहार राजस्थान, चाहे किसी भी बोर्ड का हो, चाहे क्लास 6 से लेकर 12 IIT जी नीड, या फिर आपका कोई भी सब्जेक्ट हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी, यहाँ पर गाइस क्लास 9 से लेकर 12 लाइव क्लासेस चल रही है हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों, और गाइस यहां पर 3 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं। तो जाइए आप भी डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप। अबे यार क्या करूं साला, घर का खर्चा चलाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। ना तो कहीं पे मुझे नौकरी मिल रही है और ना ही मुझे मेरी कोई पढ़ाई का मतलब लग रहा है। क्या करूं, आज ऐसा करता हूं कहीं पे काम ढूंढने के लिए जाता हूं। हेलो मां सुनो, मैं कहीं पे काम ढूंढने के लिए जा रहा हूं। यहाँ घर वेला बैठा रहने से अच्छा है तो मैं कुछ काम ढूंढ लूँ, ठीक है? महेंद्र बेटा, भगवान करे आज तुझे कोई काम मिल जावे, क्योंकि बेटा घर का खर्च चलाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। क्या करे, घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है। हाँ माँ, मुझे आज जरूर कुछ ना कुछ काम तो मिल ही जाएगा। पापा तो हमें इस बुरी हालत में छोड़कर चले गए, लेकिन मैं आपको इस बुरी हालत में नहीं देख सकता माँ। मैं जा रहा हूँ कुछ काम ढूंढने के लिए, ठीक है? आप अपना ध्यान रखना घर पे, आता हूँ मैं। भगवान करे आज मेरे बेटे को कहीं पे काम मिल जाए, अगर काम नहीं मिला तो हमारा तो जीना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। भगवान किस बात का बदला ले रहा है तू हमसे? हाँ चलो घर का कुछ काम कर लेती हूँ। इस टीवी का भी क्या मतलब, जेब में बिल भरने तक के पैसे नहीं है। आज कबाड़ी को आने दो, इस टीवी को भी बेच दूंगी। और साले इस टेबल का भी क्या मतलब, घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं है। क्या करूंगी इसका, इसको भी बेच दूंगी। अरे ओ बुढ़िया, कहाँ गया तेरा बेटा महेंद्र? तो महीने पहले हमसे जो कर्ज लिया था उसे कौन चुकाएगा? हाँ अरे मेरा बेटा महेंद्र तो आज काम ढूंढने के लिए बाहर गया है, तुम कर्ज चुकाने की बात कर रहे हो। यहाँ पर तो खाने तक के लाले पड़े हुए हैं, तुम्हारा कर्ज क्या चुकाएंगे हम बेटा। अरे बुढ़िया चल फिर निकल जा इस घर से बाहर। तेरे बेटे को जब मैंने कर्ज दिया था तो मैंने बोला था अगर 2 महीने में नहीं दिया तो ये घर छोड़ के चले जाना। चल निकल निकल जा यहाँ से। अरे बेटा रुको, तो जा रही हूँ जा रही हूँ। बुढ़िया कान खोल के सुन ले, वापिस इस रास्ते मत आइयो, क्योंकि आज से ये घर हमारा है, समझी? बोल दियो अपने बेटे से कि वो भी ना आए यहाँ पे। हे भगवान, अब हम कहाँ रहने जाएंगे, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं मैं। साला आज भी कुछ काम नहीं मिला, अब क्या बोलूंगा मैं माँ से घर जाकर कि माँ आज भी कुछ काम नहीं मिला, ऐसे ही आ गया हूँ। अरे माँ आप यहाँ क्या कर रही हो? माँ घर चलो ना। महेंद्र बेटा अब तो वो घर भी हमारा नहीं रहा, तूने जिससे 2 महीने पहले कर्ज उधार लिया था बेटा, वो दोनों आए थे और बोला आज से ये घर हमारा हुआ, और मुझे उस घर से बेटा धक्के मार के बाहर निकाल दिया। अब क्या करे बेटा वहाँ जाकर, उन्होंने तो साफ मना कर दिया है, अब वापस वहाँ पर मत आना, क्योंकि वो घर नहीं छोड़ने वाले बेटा। अरे माँ फिर हम क्या करें, कहाँ रहेंगे हम? हमारा एक ही तो घर था माँ, वो भी उन कमीनों ने ले लिया, अब क्या करें माँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेटा ऐसे करते हैं किसी के घर पे किराए पे रह लेते हैं, और तो क्या करें। अरे माँ ऐसा करते हैं ना, यहाँ पर मेरे कुछ दोस्त रहते हैं तो उनके घर चलते हैं, शायद वो अपने घर पे हमें रुकने दे, है ना? चलते हैं आओ। माँ देखो जो ये सामने वाला घर है ना, ये मेरे स्कूल के दोस्त करण का घर है, ये यहाँ पर अकेला रहता है, शायद हमें भी रहने को दे दे। करण, अरे भाई करण बाहर आना, जरूरी काम है। कहाँ है भाई, जल्दी बाहर आइयो। एक मिनट रुको, आ रहा हूँ आ रहा हूँ। अरे भाई महेंद्र तू कैसा है, क्या काम बढ़ गया आज मुझसे? अरे भाई कुछ नहीं यार, बस एक रहने के लिए घर चाहिए था, मैंने सोचा यार तू यहाँ पर अकेला रहता है, शायद तेरे घर में थोड़ी जगह होगी तो हम यहाँ पर रह लेंगे। अबे क्या हुआ, तेरे कोई घर नहीं है जो तू यहाँ पर रहने के लिए आया है? हाँ अरे भाई कर्ज था सिर पे, वो चुका नहीं पाया तो कम इन्होंने मेरा घर ले लिया,
इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। सॉरी, लेकिन मैं नहीं रख सकता, तुम यहाँ से जा सकते हो। ठीक है भाई, फिर हम यहाँ से चलते हैं। आओ माँ, कहीं और रहने के लिए पूछते हैं। अरे दीपक भाई, एक मिनट बाहर आना। एक मिनट रुको, आया। अरे महेंद्र तू? अरे मेरे भाई, कैसे आना हुआ बता। अरे भाई कुछ नहीं यार, बस रहने के लिए घर चाहिए था। तो मेरी माँ और मैं तुम्हारे घर में रह सकते हैं अगर जगह हो तो? अरे आओ आओ, अंदर आओ। अब इसमें पूछने वाली क्या बात है, अपना ही घर समझो। धन्यवाद बेटा हमें अपने घर में शरण देने के लिए। अरे माँ जी, अब आप मुझे शर्मिंदा कर रही है, अपना ही घर समझिए और जब तक चाहे आप यहाँ पर रह सकती है, ठीक है? अरे भाई यार, एक मेहरबानी और कर दे, कहीं पर कोई काम मिल सकता है कुछ भी तो वो दिला दे मुझे यार। हाँ, तुझे एक एड्रेस देता हूँ, कल वहाँ पर चला जाइयो, ठीक है? फिर अगले ही दिन महेंद्र वहाँ पर पहुँच जाता है, जहाँ पर उसे उसका दोस्त जाने के लिए बोलता है। अरे भैया अंदर कोई है, बाहर आना। अरे अरे कौन है भाई, तू क्यों चिल्ला रहा है? हाँ क्या हुआ, क्या बात है? भैया मेरे दोस्त ने मुझे आपके पास यहाँ पर भेजा है, उसने बोला आपके पास कुछ काम मिल जाएगा, इसलिए मैं आया हूँ। भैया भैया मुझ पर एहसान कर दीजिए, कोई काम हो करने के लिए तो मुझे वो दे दीजिए, मैं पढ़ाई भी करता हूँ और मुझे काम भी चाहिए, जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं है खर्च चलाने के लिए। भैया कुछ एहसान कर दीजिए मुझ पर, कोई काम वाम हो तो मुझे दे दीजिए प्लीज। काम तो है लेकिन तुझे यहीं पर रहना पड़ेगा, सोच ले। ठीक है भैया, मैं यहाँ पर रह लूंगा, आप जैसा बोलोगे मैं कर दूंगा। ठीक है फिर आ जा अंदर, देख ले ये घर है, तू यहीं पर रहियो और मैं तुझे कुछ सामान दूंगा, मेडिकिट और भी बहुत कुछ है, तो तुझे कुछ नहीं करना, बस उस सामान को बेचना है, ठीक है? यहाँ पर रहियो तू। धन्यवाद भैया मुझे काम देने के लिए, आज से ही मैं काम स्टार्ट कर दूंगा और मेरी माँ को मैं बोल देता हूँ, मैं कुछ दिनों के बाद ही आऊँगा काम खत्म करके। फिर महेंद्र अपनी माँ को कॉल करके बता देता है कि उसे काम मिल चुका है। महेंद्र उसी दिन से काम स्टार्ट कर देता है और काम करने के साथ साथ वो जॉब लगने के लिए पढ़ाई भी करता है। भैया मेडिकिट ले लो, मेडिकिट बहुत ताज़ा ताज़ा मेडिकिट है, ले लो बहुत सस्ते में मिल रही है, ताज़ा मेडिकिट ले लो बहुत सस्ते में मिल रही है, आओ यार कोई तो ले लो मेडिकिट, मेडिकिट ले लो बहुत सस्ते में, ताज़ा ताज़ा मेडिकिट, एक्स्ट्रा HP बढ़ाने वाली मेडी ले लो मेडी। अरे भैया भैया रुको रुको भैया, एक मेडिकिट ले लो भैया, बहुत सस्ते में मिल रही है भैया, HP भी ज़्यादा बढ़ाती है। क्या भाई तेरी मेडिकिट ज़्यादा HP बढ़ाती है, चल फिर ठीक है मैं एक के बदले दो ले लेता हूँ, ठीक है ना? ले, मैंने दो ले ली, अब मैं जाता हूँ। अरे भैया मेडिकिट तो ले ली वो तो ठीक है, लेकिन मेरे पैसे तो दो मेडिकिट के। अरे हाँ भूल गया था, ये ले तेरे पैसे, अब ठीक है अब जाता हूँ मैं, अगर जरूरत पड़ी तो और लेने के लिए आ जाऊंगा, बाय बाय। और फिर क्या था, महेंद्र इसी लगन से रोज मेडिकिट बेचता था और उसकी रोज अच्छी खासी मेडिकिट बिक भी जाती थी। वो इस बात से बहुत खुश था कि उसकी मेडिकिट बिक जाती है, जो भी आता उसकी मेडिकिट लेता और उसे पैसे देकर चला जाता। इस बात से उसका सेठ भी बहुत ज्यादा खुश था। मेडिकिट ले लो मेडिकिट, सस्ती सस्ती मेडिकिट। अरे महेंद्र, अरे कहाँ है तू? अरे जल्दी से उठ, बहुत बड़ी खुशखबरी है। अरे महेंद्र उठ, बहुत बड़ी खुशखबरी है और तू अभी तक घोड़े बेच के सो रहा है। अरे सुन, तेरी जॉब लग गई, सरकारी जॉब। क्या भैया आप सच बोल रहे हो? मुझे तो भैया बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा मेरी सरकारी जॉब लग गई है। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आप नहीं होते तो शायद ही मेरी सरकारी जॉब लग पाती। अरे अरे ऐसी कोई बात नहीं है, तू तकलीफ में था तो मैंने तेरी मदद की थी, अब एक भले इंसान का यही तो फर्ज होता है कि कोई तकलीफ में हो तो उसकी मदद करे। धन्यवाद भैया मेरी इतनी बड़ी मदद करने के लिए, अब मैं मेरी माँ को कॉल करके बता, नहीं नहीं माँ को अभी नहीं बताऊंगा, अभी दोस्त को कॉल करता हूँ, माँ को फिर सरप्राइज दूंगा। हेलो, हाँ हेलो भाई यार, माँ को फोन दियो मेरी को। हाँ माँ, मैं कुछ दिनों में आ रहा हूँ और आपको मैं एक बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगा, ठीक है? अभी मैं कॉल रखता हूँ। चलो अब जॉब की तैयारी करता हूँ, क्या क्या करना है मुझे? अरे माँ जी, मुझे तो लगता है आपका बेटा महेंद्र अब कभी नहीं आएगा,
बस फोन करके वो तो चूतिया बनाता है। अब मैं मेरे घर में आपको और नहीं रख सकता। फोकट की रोटियां मैं नहीं तोड़वा सकता ज्यादा। आप भी इस घर से निकल जाइए। वो तो नहीं आने वाला, वो तो हमको मीठी गोली देता है। आप ये घर छोड़ के चले जाइए यहाँ से। मैं और नहीं रख सकता इस घर में आपको। बहुत दिन हो गए, आता ही नहीं है, बस फोन करके चूतिया बनाता रहता है। जाइए आप यहाँ से, छोड़ दीजिए, मेरा घर खाली कीजिए। अरे बेटा ये क्या बोल रहे हो तुम? मैं कहाँ रहने जाऊंगी बेटा इस बुढ़ापे में? मुझे कुछ नहीं पता कहाँ रहने जाओगी। अपना बैग उठाओ और चलती बनो यहाँ से बुढ़िया। मुझे कुछ नहीं सुनना, उठाओ अपना बैग और चलती बनो यहाँ से। बहुत दिन हो गए फोकट की रोटियां तोड़ते हुए। जाओ यहाँ से, भागो, तुम्हारा बेटा तो नहीं आने वाला। ठीक है बेटा, जा रही हूँ, बाय बाय, रहूंगी किसी फुटपाथ पे। और फिर क्या था, महेंद्र की माँ को महेंद्र का दोस्त घर से बाहर निकाल देता है। फिर कुछ दिनों बाद महेंद्र अपनी माँ से मिलने के लिए उसके घर जा रहा होता है। अरे ये कौन बैठी थी रास्ते पे? देखने से तो ऐसा लग रहा मेरी माँ है। वापस चलता हूँ, लगता तो मेरी माँ ही है। अरे हाँ, ये तो माँ है। माँ आप यहाँ क्या कर रही हो? माँ हाँ, घर पे क्यों नहीं गई? यहाँ रास्ते में क्या कर रही हो माँ? अब क्या बताऊँ बेटा, तेरे दोस्त ने तो मुझे घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया है। मैं तो बेटा यही सड़कों पे घूमकर भीख मांगकर खा रही हूँ और यहीं पे बेटा रात गुजारती हूँ। अब क्या करूँ, तू तो बहुत दिनों तक आया नहीं तो उसने मुझे घर से धक्के मार कर बाहर निकाल दिया। अरे माँ अब आप चिंता मत कीजिए, माँ अब आप मेरे साथ रहेंगी। देखिए मेरे पास कितने सारे पैसे हैं, मेरी सरकारी जॉब जो लगी है। माँ अब आप चलिए मेरे साथ, बैठिए गाड़ी में। उस कमीने को तो अब बताना पड़ेगा उसकी औकात क्या है। मेरी माँ को उसने धक्के मार के बाहर निकाला है ना, अब बताऊंगा मैं उसे। यही है ना उसका घर। चलो माँ उतरो, इस कमीने को इसकी औकात बतानी पड़ेगी। अबे ओ कमीने, कहाँ है बे साले, बाहर निकल। मेरी माँ को घर से धक्के मार के बाहर निकालता है ना चूतिए, कहाँ छिप के बैठा है, बाहर निकल। अरे कौन है, कौन चिल्ला रहा है? अरे महेंद्र तू, ये काला सूट वूट और ये गाड़ी किसकी चोरी करके लाया है? हाँ अबे ओ सरकारी जॉब लगी है मेरी, जानता है महीने के कितने रुपए कमाता हूँ मैं? देखेगा ये देख पैसे, उठा ले जितने उठा सकता है। मेरी माँ को धक्के मार के बाहर निकालता ना चूतिए, बहुत सारे पैसे है मेरे पास, उठा ले उठा ले। महीने की 2 लाख तनख्वाह है मेरी, 2 लाख, समझा चूतिए? आया बड़ा मेरी माँ को घर से बाहर निकालने वाला, ये देख तेरी औकात क्या है मेरे सामने। देखे कभी इतने सारे पैसे एक साथ में? हाँ मेरी माँ को धक्के मार के बाहर निकालता है ना चूतिए, उठा ले जितने पैसे उठाने हैं, तेरी औकात कुछ नहीं है मेरे सामने, समझा? माँ आप गाड़ी में बैठो माँ, इस कमीने को इसकी औकात पता चल गई। मेरी माँ को घर से बाहर निकाला ना तूने चूतिए, देख ले अब तेरी औकात क्या है मेरे सामने। चलो माँ चलते हैं यहाँ से। अरे भाई भाई महेंद्र भाई, यार मुझे माफ कर दे भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी भाई। अरे भाई सुनना प्लीज, मुझे माफ कर दे भाई। अरे भाई आई होप गाइस यार आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। तो इसी बात पर यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पर सेट कर देना और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना।